और आइए बात करेंगे चुनावी चौपाल की। फतेहपुर में साध्वी निरंजन ने 2014-2019 में लगातार दो बार चुनाव जीतकर मिसाइल कायम की थी। बीजेपी ने इस बार भी साध्वी निरंजन ज्योति पर ही भरोसा जाहिर किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अंतिम समय में नरेश उत्तम पटेल को मैदान में उतार दिया है। लेकिन इस बार बाजी आखिरकार कौन मारेगा और जनता के मन में क्या है, देखिए चुनावी चौपाल फतेहपुर से सीधे। भाजपा जीतेगी, सबका मत यही है कि हमें तो बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ, बीजेपी है तो मुमकिन है। विपक्ष बिल्कुल भ्रमित कर रहा है और कुछ इससे होने वाला नहीं है। और भाई मोदी के देव, आप लोग किसको इस बार वोट जिता रहे हैं? मोदी। मोदी। फतेहपुर जिला गंगा और यमुना के बीच बसा हुआ है, जिसे दुआबा की धरती के रूप में जाना जाता है। फतेहपुर जिला प्रयागराज मंडल का एक हिस्सा है। पिछली बार की तरह इस बार भी इस सीट का सियासी पारा हाई हो चुका है। आप सभी को नमस्कार। रिपब्लिक भारत के खास शो चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत स्वागत है। लगातार हम अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, गांव कस्बों में जा रहे हैं, चुनावी चौपाल करके क्या कुछ ग्रामीण के मुद्दे हैं वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और आज हम पहुंचे हैं फतेहपुर के गांव में। यहां पर जानेंगे जनता क्या कुछ कह रही है, किन मुद्दों पर मतदान करेगी, और ये जानना दिलचस्प होगा क्या साध्वी निरंजन ज्योति इस बार हैट्रिक लगा पाएंगी या सपा के जो प्रदेश अध्यक्ष खड़े हुए हैं नरेश उत्तम उनको मौका देगी, देखना दिलचस्प होगा। यहाँ के मतदाताओं ने साल 1989 में वीपी सिंह को सांसद चुना था। सांसद चुने जाने के बाद वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। हम हमें बताइए कि सपा भाजपा कौन जीत रहा है? भाजपा जीतेगी। आपका नाम? प्रेम शंकर पांडे। हाँ, पांडे जी क्या लग रहा है इस बार, इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम है धनवा कला। धनवा कला। धनवा कला गांव में सबसे ज्यादा कौन सी बिरादरी के लोग रहते हैं? इसमें तीन बिरादरी है, ब्राह्मण और मौर्य और मुसलमान। और बाकी तो दो चार घर और इधर उधर हैं। तो क्या इस गांव के लोग जाति के आधार पर वोट करेंगे या मुद्दे हैं उनके पास? देखिए मुद्दे तो बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन अगर देखा जाए तो 70% जो हमारे यहाँ की जो जनरेशन है और जो हमारे यहाँ के बड़े बुजुर्ग जवान जो भी है, सबका मत यही है कि हमें तो बीजेपी ही चाहिए। बीजेपी चाहिए कह रहे हैं, सबका मत यही, लेकिन एक एक करके समझना होगा। आपका नाम? मेरा नाम रामसत पांडे है जी। इसी गांव से आप? जी हाँ, हम इसी गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे नाम का गांव है धनवा कला। यहाँ पे धनवा कला में क्या क्या काम हुआ है और क्या काम होना बाकी है? काफी अच्छे काम किए हैं बीजेपी गवर्नमेंट ने, बहुत अच्छा रहा उनका रिस्पॉन्स यहाँ पे, और हम लोग काफी ज्यादा उनको सपोर्ट कर रहे हैं और पूरा प्रयास करेंगे जिताने का उनका। और काफी यहाँ विकास भी किए हैं। कुछ मुद्दे हैं हमारे लोगों के, जैसे कि मैं युवा हूँ, टीम का खिलाड़ी हूँ, काफी लोग मुझे जानते क्षेत्र में। मैं मैम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों को क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए। क्रिकेट का ग्राउंड चाहिए। आपका नाम? चुनावी चौपाल के है? हमारा नाम शिव स्वरूप पांडे। अच्छा, पांडे जी रहने वाले। अच्छा, धनवा के ही है। आप किसको जितवा रहे हैं इस बार? भाई जितवा हुआ का आज वही लहर ही चल रही है हमारे लिए। हम किसी को भी दे, लेकिन नाम यही होगा कि आपने भाजपा को दिया तो हमारे यहाँ से वही जीत रही है, हमेशा जीती है। लहर तो 2019 में थी, अब लहर नहीं चल पा रही। हमारे यहाँ वही लहर चलेगी जो। हाँ, चल रही है। क्या नाम है? फूलचंद मौर। मौल जी क्या करते हैं? हम किसानी करे थे। किसानों को कितना क्या कुछ मिला है सरकार से? सब कुछ मिला, गल्ला मिल रहा है, खेती का पैसा मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। किसान सम्मान निधि मिली है? हाँ, कुछ मिली है। अच्छा, तो इस बार फिर से जीत रही है साध्वी निरंजन? जीताई पे। आपको क्या लगता है, क्या नाम है? महेश मिश्रा। मिश्रा जी बताइए, चुनावी चौपाल में हम लगातार अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं, इस गाँव में कितना काम हुआ? बढ़िया काम, खूब काम हुआ है। साइकिल चलेगी क्या? नहीं नहीं नहीं, साइकिल तो कभी नहीं चली, तो आज कहाँ चल जाएगी। 40 साल से कांग्रेस तो जीती नहीं है, लेकिन इस बार कांग्रेस गठबंधन में है। अरे चाहे जितना गठबंधन में हो, किस अच्छे। क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार जी, इस बार किस नेता को देखकर संतोष मिल रहा है? अरे हमका तो वही संतोष है, दूसरे संतोष है नहीं है। क्या हुआ? अरे वो कुछ हो या न हो, हमारे लिए वही संतोष है। हाँ, चाहे यही काम करे को हम माने कहा तो हम वही महीन है। कहीं हाथी है क्या? आप तो इस बार डॉक्टर साहब को उन्होंने खड़ा कर दिया है बसपा ने। चाहा जाए का ठाड़ कह दे, हमारे खिया वही वोट पाई है, दूसर का नहीं मिला। फतेहपुर लोकसभा सीट से बीजेपी ने एक बार फिर साध्वी निरंजन ज्योति पर दांव लगाया है। वहीं इंडी गठबंधन में ये सीट सपा के खाते में आई है। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से नरेश उत्तम को मैदान में उतारा है। आपका नाम? जी विकेश कुमार। ये बताइए कुमार साहब, युवा क्या चाहता है? जी बस साध्वी जी है, सब कुछ है। साध्वी है तो सब कुछ है। जी जी जी, मजबूती से विश्वास है। बीजेपी जिंदाबाद।
आपका नाम? मनीष पांडे। मनीष पांडे, क्या सोचते हैं युवा, क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ। कहाँ पे? हरियाणा में। जॉब कर रहे हो हरियाणा में, सब अच्छा चल रहा है? हाँ सब अच्छा चल रहा है। किन मुद्दों पर इस गांव में वोट पड़ रहे हैं? यहाँ पे बीजेपी भी पड़ेगी, सारा गांव बीजेपी देगा। तीसरी बार फिर से बीजेपी को जीतवा? यहाँ हर लोग बीजेपी को पसंद करते हैं, बीजेपी की वोट देंगे बस। कोई विशेष कारण है बीजेपी को पसंद करने का? बीजेपी अच्छा काम कर रही है। काम गिनवाओ जल्दी से। क्या काम? गरीब को, गरीब कल्याण, महिलाओं को सिलेंडर आदि, किसान को पैसा मिलता है, खेती का पैसा है, गरीब का मतलब कॉलोनी देता है। सभी महिलाओं को सिलेंडर मिला है यहाँ? देखिए बताइए बताइए, देखिए महिलाएं जो है चूल्हे पे रोटी नहीं बनाती है, सिलेंडर पे रोटी बनाती है। महावीर मौर्य। मौर्य साहब, निषाद लोग भी रहते हैं इस गांव में? निषाद यहाँ नहीं है, पर इस गांव में नहीं है, पर फतेहपुर में है लोकसभा। हाँ। इस बार क्या लग रहा है, जाति बहुत बड़ा मुद्दा बनेगी या वाकई जो जमीने मुद्दे हैं वो उनके आधार पर? नहीं, यहाँ मुद्दे नहीं, बीजेपी जीतेगी हमारे यहाँ। हाँ कन्फर्म है। लग रहा है 80 सीटें जीत पाएगी? हाँ जीतेगी 80 सीट, 100 सीट। फतेहपुर, फतेहपुर भी बहुत जरूरी है। फतेहपुर कन्फर्म है। आपका नाम? राम दुलारी। राम दुलारी जी, क्या करते हैं? कृषि का काम करते हैं। कैसी चल रही है खेती बाड़ी? बढ़िया चल रही है। मजा आ रहा है? हाँ, हाँ? सरकार से क्या क्या सहायता मिल रही है? हर सहायता ये सब मिला था, गल्ला पानी मिलते हैं आपका। हाँ बोर है नहीं है आपका। हाँ और ठीक है। सरकारी बोरिंग अगर हो जाती जंगल में 200 बीघा जमीन? अरे सरकारी 200 बीघा जमीन के मालिक हो? नहीं हम नहीं है, हम तो हाँ हम तो 2 बीघा के जोता, 200 बीघा का वो हम। क्या कह रहे हो? अरे वहाँ पे सरकारी बोर हो जाता 200 बीघा, काफी लोगों की मौर्यों की जमीन पड़ी पंडितों की, वहाँ अगर बोर हो जाता तो ज्यादा अच्छा होता, फसल होती। तो कौन कौन से प्रत्याशी वोट मांगने आ चुके हैं? अभी तो उस कोई नहीं आया। टाइम पे सभी प्रत्याशी आते हैं। पहली बार है। हाँ, क्या कह रहे हो? चुनावी टाइम पे तो सभी प्रत्याशी आते हैं, लेकिन हमको अपना हित देखना है, अपने गरीब जनता का हित देख करके मतदान करना है। अच्छा। और बीजेपी है तो मुमकिन है। गरीब जनता का हितैषी कौन है? बीजेपी है, बीजेपी भाजपा। तो क्या मुद्दे हैं इस बार? मुद्दे हैं बीजेपी जीतेगी यहाँ से भी। फिलहाल तो ये सीट बीजेपी के कब्जे में है और साल 2019 में बीजेपी ने यहाँ एक तरफा जीत हासिल की थी। इस बार फतेहपुर सीट पर सियासी टक्कर कैसी है, चौपाल में मौजूद लोगों की बातें उसकी तरफ इशारा कर रही हैं। क्या नाम है? अनु दीक्षित नाम है मेरा। अच्छा, कहाँ से है दीक्षित जी? मैं फतेहपुर से आया हूँ, पैसे से अधिवक्ता हूँ। अच्छा, तो इस बार फतेहपुर में 5वें चरण में मतदान है, क्या क्या मुद्दे हैं जिनके आधार पर वोट हो रहा है? देखिए यहाँ पर किसानों की जो समस्याएं थी बहुत भारतीय जनता पार्टी ने जो है दूर किया है। दूसरा यहाँ पर गुंडैती का बड़ा आलम था तो लोगों को बड़ा रिलीफ मिला यहाँ पर। तीसरी चीज़ है महिलाओं को सिलेंडर, आपने सुना ही है कि सिलेंडर की व्यवस्था हुई है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर विकास, सड़कें नहीं बनी हुई थी, सड़कें बन गई। यहाँ पर पहले लोग 6 बजे के बाद निकल नहीं पाते थे, आज यहाँ पर कुछ तरफ तो हिचकोले खाते हुए वाहन आ रहे हैं, सड़कें पूरी तरह से गाँव में नहीं बनी है। देखिए सड़कें तो बन गई हैं, एक्चुअली में क्या ओवरलोडिंग की समस्या कभी कभी ज़्यादा हो जाती है तो वो रुक नहीं पाती, इस वजह से सड़कें गड़बड़ हो गई हैं। विपक्ष आरक्षण के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रहा है, आपको लग रहा है ये मुद्दा उनका कारगर साबित होगा? नहीं, विपक्ष बिल्कुल भ्रमित कर रहा है और कुछ इससे होने वाला नहीं है। पब्लिक बहुत होशियार है, सब कुछ जानती है। और पब्लिक सब कुछ जानती है? बिल्कुल सब कुछ जानती है। क्या क्या जानती है? पब्लिक विकास जानती है, पब्लिक उज्ज्वला योजना जानती है, पब्लिक जो योगी जी का जो है जीरो टॉलरेंस की वो चल नीति चल रही है वो जानती है। और क्या जानती है पब्लिक? पब्लिक ये जानती है जो SC ST OBC का जो उन्होंने आरक्षण खत्म कर दिया, उस जो आरक्षण से वो मुस्लिम आरक्षण दे रहे हैं वहाँ पर, जहाँ कर्नाटक और आसाम में ये हुआ है, तेलंगाना सॉरी, तो आने वाले भविष्य में हो सकता है कि अपोजिशन हमारी कांग्रेस और गठबंधन जो NDE वो ला सकती है। रहा है कि जो विपक्ष लड़ाई लड़ रहा है कि हम PDA बनाए हुए हैं, हम कह रहे हैं कि हम OBC और SC को जो है आरक्षण दिलवाएंगे। PDA का जो फुल फॉर्म है वो प्राइवेट डेवलप्ड अथॉरिटी है, P का मतलब हो गया है प्रोफेसर राम गोपाल, D से डिम्पल और A से अखिलेश है। अरे इन्होंने तो PDA की परिभाषा ही बदल दी, पूरा यादव परिवार को PDA में ला दिया। हाँ बाबा जी, क्या नाम है? मनलाल पासवान। पासवान साहब ये बताइए क्या मन बनाया है इस बार जनता ने? 100% मन बनाया होगा भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का। भाजपा को? साइकिल नहीं चलाओगे? बिल्कुल नहीं। और हाथी? कभी नहीं। कभी नहीं? कभी नहीं। कभी तो मौका दो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी में है तो है। किसको वोट कर रहे हैं? वोट भाई मोदी के दे, गल्ला पानी हमका सब दे, सब कुछ भाई हमका सब के पेंशन भी मिल रही हमारे आदमी को। आप लोग किसको इस बार वोट जिता रहे हैं? मोदी। मोदी क्या मिला है गाँव के लोगों को? मोदी को, मोदी गैस सिलेंडर, गैस सिलेंडर मिला है। सुविधा दी है? हाँ, सुविधा है, कॉलोनी मिली है, गैस दिया है,
और नाली का सुविधा नहीं है, नाली की होनी चाहिए। हाँ, नाली इस पे निकलनी चाहिए, पानी की सुविधा नहीं है। ओबीसी बाहुल्य इस इलाके में 2024 का मुकाबला दिलचस्प होने जा रहा है। अभी से ही शहर का सियासी पारा हाई है। फिलहाल कांग्रेस और सपा के साथ आने से समीकरण कैसे बदलते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। चुनावी चौपाल हम कर रहे हैं, फतेहपुर का ये गांव है और यहां पर देखिए थोड़ा हम आगे आएंगे और यहां पर इस गांव के लोगों ने मुद्दे गिनवाए हैं, बताए हैं कि किस आधार पर मतदान करेंगे और किसको चुनेंगे, क्या दोबारा तिवारा बल्कि हम बोलेंगे हैट्रिक क्या लगा पाएंगे साध्वी निरंजन ज्योति या सपा के प्रत्याशी पर भरोसा होगा। हालांकि गांव के लोग कह रहे हैं कि काफी जो सरकारी योजनाओं का लाभ है वो इन लोगों को मिला है। वोटिंग जो है 20 मई को पांचवें चरण में होगी और नतीजे 4 जून को आएंगे। इंतजार करना होगा कि नतीजे किसके पक्ष में आते हैं, क्या मोदी सरकार और साध्वी निरंजन ज्योति जो कि फतेहपुर से प्रत्याशी हैं हैट्रिक लगा पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा, इसका इंतजार करना होगा। 4 जून के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। तो चुनावी चौपाल में फिलहाल इतना ही, लगातार ये सफर ये सिलसिला जारी रहेगा, अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचेंगे, अलग अलग गाँव में पहुंचेंगे।